वीडियो को लाइक करें, प्लम्बर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पुरानी सीट निकालकर न्यू सीट कैसे लगाई जाती है। जैसा कि आप यहां पर सामने देखते होंगे, यहां पर ये पुरानी वन पीस सीट लगी हुई है, तो हम इसको निकालेंगे पहले और फिर दूसरी नई सीट लगाएंगे। इसमें वैक्यूम की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें फ्लश ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो ये वाली सीट हम पहले इसको खोलेंगे। हमें सामान जो दूसरी वन पीस सीट है हमारी नई, उसमें यही वाला सामान हम लगाएंगे। बाकी सीट हमारी वापसी चली जाएगी, सीट और सीट कवर, बाकी सारा सामान हमने यही वाला लगाना है। तो हम पहले इसको खोलते हैं और आपको एक एक पुर्जे की जानकारी देते हैं कि कैसे इसको खोला जाता है और कैसे नई सीट फिटिंग की जाती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको जेड का पॉइंट खोल लेंगे और सीटन का पॉइंट कनेक्शन पाइप खोल लेते हैं। हमारा जेड का पॉइंट और सीटन का पॉइंट यहाँ पे खुल गया कनेक्शन पाइप। अब हम सीट को इसको हटाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख होंगे, हमने इस सीट को निकाल दिया है, इसमें एक कट्टा लगा दिया है ताकि यहाँ पे बदबू ना फैले। अब सबसे पहले हम इसका सिस्टम वाला ये कनेक्शन पाइप खोल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे ये लगा हुआ है, तो हम इसको खोल देते हैं। ये हमारा कनेक्शन पाइप खुल गया। अब हम इसको सीट कवर को खोलेंगे। सीट कवर खोलने का आप तरीका यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझ लीजिए। ये एक यहाँ पर आप देखते होंगे साइड में को एक बटन दिया हुआ है इन्होंने, इसको अंदर को दबाना है और इसको भी हमें दबाना है दोनों हाथों से, फिर हम इसको ऊपर को निकालेंगे। इसको ऊपर थोड़ा उठाना है, ये तो हमारा ये सीट कवर निकल जाएगा। तो हम पेट के साथ आते थे ऊपर निकालेंगे, हमने सबसे पहले पेट के साथ आते थे इस कैप को ऊपर की साइड में उठा लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख लेंगे ये कैप खुल गई है, इसी प्रकार से हम ऊपर वाली कैप को भी निकाल लेंगे। ये भी आवाज निकल गई। अब हम इसको पेज को खोल लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पास पेज देखते होंगे, हम इसको खोल देते हैं पूरा। यह हमारा यहाँ पर खुल गया है, इसी प्रकार से हम ये वाला भी खोल देते हैं। ये भी हमारा खुल गया अलग, इसको हम रखते हैं जेड में। हमारा जेड निकल के यहाँ पर निकल गया है, यहाँ पर इसी जेड को हम दूसरी सीट में लगाएंगे। यहाँ पर ये नीचे को फेंकेंगे आप तो ये आसानी से निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए इसमें फुल पानी सिस्टम में फुल भरा हुआ रहता है तब ये वैक्यूम बनाती है, इसमें आधे से कम पानी रहता है तब ये वैक्यूम नहीं बनाती, इसमें सीट में पानी रुकता है। तो सीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन मालिक को ये सीट पसंद नहीं आ रही है, इस वजह से ये सीट हमने चेंज की है। सीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हिंदवेयर की हिंदवेयर कंपनी सीट है और ये भी हमारी हिंदवेयर की कंपनी की सीट है। तो अब हमने इसको लिया है यहाँ पर। अब सबसे पहले हम इसमें कनेक्शन पाइप लगाते हैं सीटन वाले में। हमारा कनेक्शन पाइप लग चुका, अब हम लगाएंगे इसमें सीट कवर और जेड। सीट कवर है हमारा ये, इस सीट कवर को भी मैं लगाना आपको एक प्रचीज जानकारी दूंगा। ये सीट कवर हर एक मिस्त्री से नहीं लग पाता है। अभी हम इसको खोल के आपको एक पर्चे दिखाते हैं। यहाँ पर
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें पहले ये इसको पेज को खोल लेते हैं, इसको डाल देंगे हम अंदर। ये हमारा जैसे आप देखते होंगे ये चला गया है, इसको भी हम इसी प्रकार से इसमें डाल देंगे। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर ये बैठ गया है। दूसरा आप देख समझ लीजिए, यहाँ पर इसमें एक लॉन्ग भी और हुआ रहता है, इसको हम इस साइड में घुमाएंगे तो ये हमारा ये बाहर को निकल जाएगा। ये एक प्रकार से अब आप यहाँ पे देखते होंगे इसमें एक खांचा है एक साइड में और एक साइड में, ये हम इस खांचे में मिलाएंगे इस प्रकार से। ये खांचा हम इस खांचे में इस प्रकार से मिला लेंगे, इसको भी हम डाल देते हैं। ये खांचा दोनों खांचे इसमें इस प्रकार से मिला लेंगे। अब ये जो पेज है पेज को भी हम बाद से लगा करके इसमें फंसा देंगे इस प्रकार से, और ये वाला भी पेज हम इस प्रकार से फंसा लेंगे। फिर हम रखेंगे यहाँ पर इसके ऊपर जेड, जेड को रख रखे हम इसको इन पेजों को टाइट करेंगे इसमें हम इन दोनों पेजों को टाइट कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें ये वाला भी टाइट कर लेना है। हमें इसको फुल टाइट नहीं करने हैं, हल्के टाइट कर देना है। अब हम पहले सीट कवर को लगा के देख लेते हैं। हमें इसको दबा करके पूरा इसको सीट कवर को बीच में फिक्स कर लेना है। हमारे यहाँ फिट हो गया, अब हम इसको प्यार से निकाल लेंगे, हम पेजों को टाइट कर देंगे। इस जेड को भी सेंटर में कर लेना है। हो चुका है। सबसे पहले फ्लैश बटन को इसमें डक्के में लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ तक खोल देते हैं, इसको नट को यहाँ तक खोल लेना है। और ये बड़ा बटन जो आप देख रहे हैं ये सीधे यहाँ पर रखना है इसमें का, और नीचे से ये नट चढ़ा देंगे। यहाँ पर हमारा नेट टाइट हो गया है, अब हम इसको देखेंगे। पहले हम इसमें चढ़ा देते हैं फुल दोनों नटों को, इसको थोड़ा ढीला करके नीचे कर देंगे, इसको पूरा चढ़ा देंगे। अब हम इस पे रख के देखते हैं हमारा ये कितना कटेगा। तो हमारा यहाँ से किनारे देखना, जैसा कि आप देखते होंगे एक डेढ़ इंची है उठ हुई है, देखो एक सवा इंची उठ हुई है, तो हम इसको थोड़ा डेढ़ इंची काट देते हैं, यहाँ से काट देते। तो ये दोनों हमने एक बराबर इसको काट दिया है, वो हम इसमें लगा देते हैं इसको ढीला करके।
इसमें इस प्रकार से हम चढ़ा देंगे। अब हम इस पे यहाँ पर रख के देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये ठीक काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर सीट रखेंगे और सीट की मार्किंग लेंगे, फिर ये रबड़ लगाएंगे इसके नीचे और फिर इसको जाम कर देंगे नीचे। तो हम पहले इसकी मार्किंग ले लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ पर मार्किंग लग चुकी है, अब हम इसको रबड़ के लाएंगे। ये रबड़ अनसीटेबल होती है, ये दो तीन दिन में सूख जाती है, फिर ये सड़ जाती है। यहाँ इसको इस प्रकार से लगा लेना है। हम सीट को रहेंगे बिल्कुल इसी निशान पे जहाँ पर हमारा मार्किंग का निशान है। हमने अपनी सीट यहाँ पर बिल्कुल मार्किंग पे रख दी है, इसको बिल्कुल अच्छे से बिठा दिया है। तो हमारी जो एनसीटेबल भी पैकिंग थी वो भी जाम बिल्कुल फिक्स हो गई है। अब हम इसको जेट का पंप पॉइंट लगा जाएंगे और इसका सिस्टम का पॉइंट लगा देंगे। पहले हम ये सिस्टम वाला पॉइंट इसमें एंगल वॉक में चढ़ा देते हैं। हमारा क्लस्टर पाइप टाइट हो गया है, अब इसको ऑन कर लेते हैं और डिब्बे को भर देते हैं। अभी ये देखिए हमारा जेट का पॉइंट, इसको भी हम लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा जेट का पॉइंट भी लग गया है। यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट लग चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा जेड रूट चला के देख लेते हैं। खोल पूरा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा जेड रहा बन गया। आइए हम फ्लग भी मार के देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर फ्लग भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है और इसको हल्का सा पुश नीचे कर देंगे तो ये हाइड्रोलिक सीट कवर होता है हमारा, ये बिल्कुल आराम से बैठता है। तो यार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।